चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर रीनीट नहीं होता है तो क्या कट ऑफ जा सकती है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। रीनीट होगा या नहीं होगा इस विषय पर तो हम बात करेंगे ही, साथ में नीट 24 के लिए जब अगर रीनीट नहीं होता है तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है कैटेगरी वाइज, किसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास में जो बाकी फैक्टर्स थे वो अभी खत्म हो चुके हैं क्योंकि रैंक आ चुकी है। जब रैंक आ जाती है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो फैक्टर रहता है नंबर ऑफ सीट्स। तो यहाँ पर कितनी सीटें इंक्रीज हो सकती हैं उस विषय पर भी पता करेंगे हम, और ये भी देखेंगे कि कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है इस साल के लिए, जो तकरीबन सी नियर बाई रहेगी क्योंकि हमारे पास अभी रैंक आ गई है। 1563 स्टूडेंट की एग्जाम होने के बाद रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, वो बिल्कुल 100-200 रैंक का किस नंबर पर कितना फर्क पड़ेगा ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो ये बहुत कम फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कट ऑफ देखने से पहले हम चर्चा करें कि रीनीट की क्या पॉसिबिलिटी है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, देखो 8 जुलाई को हियरिंग है इसके बारे में, और जितने भी हाई कोर्ट के केसेज हैं वो सारे केसेज ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं, और इस पेपर लीक के रिगार्डिंग जो हियरिंग होगी वो 8 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में होगी, और वही सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला मान्य होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी क्या है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो उसमें एनटीए से रिप्लाई आ चुका होगा, हो सकता है पटना और गुजरात पुलिस के भी स्टेटमेंट यहां आ जाएं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के पास 8 जुलाई को जो मैटर अवेलेबल होगा उसमें सारा सब कुछ अवेलेबल होगा, एनटीए की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा, हो सकता है पुलिस की तरफ से भी यहाँ रिपोर्ट आ जाए। तो उसमें 8 जुलाई को हमें पॉसिबिलिटी लग सकती है कि इसमें कुछ फैसला सुना दिया जाए। अगर 8 जुलाई को काउंसलिंग पर स्टे दे दिया जाता है तो मानो रीनीट की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अभी तक ये 50-50 चांसेज ही है कि रीनीट होगा या नहीं होगा, ये 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उसके डिसीजन के ऊपर डिपेंड है। अब मैं अपने मेरे व्यू बता देता हूँ कि क्या रीनीट की पॉसिबिलिटी है, क्या आपको स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो बच्चों मैं आपको सच बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग, हालांकि जो फैसला देगा सुप्रीम कोर्ट देगा वो हमें मान्य होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग रीनीट की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम नजर आ रही है। हो सकता है इंक्वायरी बैठा दी जाए और जो इसमें गिल्टी पाए जाते हैं उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाए, ऐसे भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है कि रीनीट हो सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी अभी ये कोई नहीं बता सकता कि रीनीट होगा या नहीं होगा। जो ये बोलता है कि 100% रीनीट होगा वो भी गलत है, और जो ये बोलता है कि 100% रीनीट नहीं होगा वो भी गलत है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो 8 जुलाई का फैसला आएगा उससे हमें एक डायरेक्शन मिल सकती है, एक हमें आइडिया मिल सकता है कि केस किस तरफ में जा रहा है। तो मेरी पॉसिबिलिटी भी मैंने बता दी कि मेरी अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, जो मैं विचार कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, और रीनीट का अभी तक का स्टेटस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पास इसके मतलब सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो 8 जुलाई तक आ जाएंगी हियरिंग से पहले पहले। तो ये तो होगी रीनीट की बात। अब क्या हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, देखो इसमें मैं आपको जब 50-50 बता चुका हूं, तो आप ये अगर सोच रहे हैं कि रीनीट होगा तो आपको स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और आप ये सोच रहे हैं क्योंकि हर एक स्टूडेंट का इसमें भी यहाँ अलग अलग मत है। वैसे भी अगर रीनीट होता है तो 1 महीने का समय जरूर दिया जाएगा स्टूडेंट को। तो ये यहाँ पर रीनीट के बारे में मैंने आपको बताया। अब बता रहे हैं हम कि इसके बारे में हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर रीनीट नहीं होगा तो कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है कैटेगरी वाइज, क्योंकि अभी हमें हमारे पास रैंक आ चुका है, और रैंक आने के बाद हमारे पास एक थोड़ा सा क्लियर सा ही हो जाता है कि इतने रैंक तक, इतने मार्क्स तक ये कट ऑफ जा सकती है। हालांकि इसमें एक फैक्टर काम करेगा जो कट ऑफ को यहाँ अप डाउन कर सकता है, वो फैक्टर रहेगा नंबर ऑफ सीट्स। अगर नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा बढ़ेंगी तो कट ऑफ थोड़ी डाउन जाएगी, लेकिन वो रैंक में ही डाउन जाएगी, मार्क्स में डाउन नहीं जाएगी। जो मैं ये मार्क्स बताने वाला हूँ उस मार्क्स से
डाउन कट ऑफ जाने के कोई चांसेस नहीं है। हम यहाँ कम से कम, मैं यहाँ पर 10,000 सीटों का आइडिया लेके चल रहा हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट की 10,000 सीट्स इंक्रीज होंगी, ये मैं आइडिया लेके चल रहा हूँ। और इसमें 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में आएंगी। वो 15% सीटें जब ऑल इंडिया कोटा में आएंगी तो कट ऑफ क्या रह सकती है? तो इसके लिए इस बार की हाई कट ऑफ रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो कट ऑफ ये रह सकती है, यानी कि इस बार इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ रहेगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस साल अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। ये अनएक्सपेक्टेड वर्ड मैं आपको एग्जाम होने के बाद से बोलता आया हूं। तो ये जो URBC की कट ऑफ रह सकती है 655 मार्क्स, इस मार्क्स से डाउन जाने की पॉसिबिलिटी मेरे को नजर नहीं आ रही कहीं भी। 655 से कट ऑफ डाउन जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम 10,000 सीट का अनुमान ले करके चलते हैं तो ये 25,500 रैंक तक कट ऑफ जा सकती है, 25,500 रैंक तक जा सकती है। और एक इसका थोड़ा सा ये देख लें कि सीटें और थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती हैं तो ये 26,000 तक भी जा सकती है, कट ऑफ 26,000 तक भी जा सकती है। लेकिन फिलहाल हम यही मान के चल रहे हैं कि 10,000 अगर सीट इंक्रीज होती हैं तो ये 25,500 तक रैंक जा सकती है। ऐसे ही EWS की बात करें हम तो EWS में 552 कट ऑफ जा सकती है, 552 मार्क्स। देखो बच्चों, ये मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, रैंक में आ सकता है, अप डाउन हो सकती है, लेकिन मार्क्स में तो सीटें इंक्रीज होंगी तब भी डिफरेंस नहीं आएगा। सीटें अगर इंक्रीज हो जाती हैं तो मार्क्स में तो इस मार्क्स के नीचे कट ऑफ आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर पर, एक एक मार्क्स पर 1,000 रैंक है यहाँ पर, तो इसमें मार्क्स में अप डाउन होने की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। EWS 652 27,400 या 28,000 रैंक तक ये मिल सकता है EWS। ये मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये लास्ट राउंड की कट ऑफ है, ये लास्ट राउंड की कट ऑफ हो सकती है, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड की ये कट ऑफ रह सकती है। SC कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं तो SC कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी, जो कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है SC कैटेगरी की, वो 550 मार्क्स, 550 मार्क्स रैंक रह सकती है, अप्रोक्स 1,40,000। ये जो रैंक है वो अप्रोक्स रह सकती है, इतनी अप्रोक्स है ये, और ये एक्सपेक्टेड मार्क्स है, ये एक्सपेक्टेड मार्क्स है, ये जो एक्चुअल भी रह सकता है ये। और ST कैटेगरी की हम बात करें तो 510 मार्क्स पर ये कट ऑफ जा सकती है और 1,95,000 रैंक तक ये कट ऑफ जा सकती है, और ज्यादा से ज्यादा 2,00,000 तक भी ये कट ऑफ जा सकती है। मैं आपको इन तीन कैटेगरी का तो आपको बताता हूँ, ये बता ही देता हूँ कि इनमें मार्क्स बिल्कुल डाउन नहीं जाएंगे। हो सकता है SC ST में मार्क्स 1-2 मार्क्स अप भी चले जाएं या 1-2 मार्क्स डाउन भी चले जाएं। तो ये सारा का सारा मैंने जो आपको बताया है ये इस बार की कट ऑफ है, और ये इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 655 कट ऑफ रह रही है। एक टाइम ऐसे हुआ करता था, वो टाइम भी हमें याद है, जब कट ऑफ 512 पे गई थी, कट ऑफ 502 पे गई थी, कट ऑफ 536 पे गई थी, कट ऑफ 562 पे गई थी, तब इस रैंक पर हमने स्टूडेंट को टॉप एम्स दिलाए हैं, जोधपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, ऐसे ऐसे एम्स हमने 655 मार्क्स पर दिलाए हैं जो आज कट ऑफ यहाँ बता रहे हैं। ये दिन हमने इतना जल्दी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी ये दिन आ जाएंगे, और 655 जहां हम टॉप एम्स दिलाते थे स्टूडेंट को, वहां आज कॉलेज न मिलने की पॉसिबिलिटी भी हो जाएगी। ये दिन बहुत जल्द हमारे पास देखने को आया है, और इसमें आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि धांधली जरूर हुई है, इसमें गड़बड़ी जरूर हुई है, स्टूडेंट की आवाज को दबाया जा रहा है, उसकी कोई आवाज सुनी नहीं जा रही है। अभी हमें सुप्रीम कोर्ट से ही आशा है, और मैं सोचता हूँ सुप्रीम कोर्ट इसके रिगार्डिंग
एक सही डिसीजन ही देगा। हमें इस बात का गर्व है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो अपने हिसाब से सब कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट के फेवर में ही फैसला देगा, ऐसी हमें आशा है। और हो सकता है ऐसा ही हो जाए, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, ऐसे रास्ते बहुत हैं जो किसी भी स्टूडेंट को, जिससे नुकसान ना हो, हर एक स्टूडेंट को फायदा हो, ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे हर एक स्टूडेंट को फायदा हो इसमें। तो ये है कट ऑफ के बारे में जानकारी। आप इससे अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि हमारे पास अभी रैंक आ गई है और रैंक आने के बाद में जो कट ऑफ होती है वो तकरीबन जो हम बताते हैं, मार्क्स बताते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सी ही जाती है इसमें। अभी हमें साथ साथ काउंसलिंग पर भी ध्यान देना है। हो सकता है रीनीट हो जाए तो फिर स्टडी करेंगे, वो बात अलग है। अगर नहीं होगा तो साथ साथ काउंसलिंग पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अभी केरला के फॉर्म भी रीओपन हुए हैं, कर्नाटका के फॉर्म भी रीओपन होने वाले हैं, तो उनकी भी काउंसलिंग आपको छोड़नी नहीं है। ये नहीं सोचना है कि हो सकता है रीनीट हो जाएगा तो ये फॉर्म हमें क्यों अप्लाई करने हैं। अगर आप उस रेंज में नहीं आ रहे हैं तो ये फॉर्म भी अप्लाई आपको कर देने चाहिए, अगर आप इसकी फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो। आपको साथ साथ काउंसलिंग पर भी ध्यान देना है। अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी 3 बुक अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा आपको। इसमें एमसीसी की बुक है जिसमें हमने ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर, डीम्ड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सभी के बारे में बताया है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है, बोर्ड की डिटेल, फीस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और साथ में च्वाइस लिस्ट भी दे रखी है कि 2024 में आपको च्वाइस कैसे करना है। फ्लो चार्ट से समझाया गया है कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से क्या रूल है उसके, ऐसे स्टेट की बुक में हमने सब कुछ समझाया हुआ है। यही बातें स्टेट की बुक में है, हर एक स्टेट के बारे में समझाया गया है इसमें, कट ऑफ वगैरह के बारे में, हर एक स्टेट का एडमिशन प्रोसीजर अलग है उसके बारे में समझाया गया है इसमें, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक भी अवेलेबल है जिसमें ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों बुक्स का लिंक दिया गया है, और इसमें हमारी जो वेबसाइट है chopraeducation.in, उससे भी इन बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करें, जैसे ही मोर पर क्लिक करेंगे आप तो इन बुक्स का लिंक आपको मिल जाएगा, और वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो इस प्रकार का लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो उससे लिंक पर आप पहुंच जाएंगे। तो ये जानकारी थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। अगर रीनीट नहीं होता है तो इसके बारे में आपको एक जानकारी होना जरूरी है कि किन बच्चों को स्टडी शुरू कर देना चाहिए। मैं उन बच्चों को बोलता हूं कि जो सिलेक्शन रेंज में नहीं आ रहे, जिनके 655 मार्क्स से कम है जनरल कैटेगरी के, और EWS के 652 से कम है, SC के 550 से कम है, ST के 510 से कम है, उनको तो स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। रीनीट होता है तो भी उनके लिए फायदा है, नहीं होता है तो भी उनके लिए फायदा है। उनको स्टडी इस तरीके से करनी चाहिए कि उनको यही सोचना चाहिए कि अभी रीनीट होगा 2 महीने बाद में, ये सोच के स्टडी कर देनी चाहिए उनको। और जो सिलेक्शन रेंज में है उनको तो अभी वेट करना ही है, क्योंकि इस माहौल में स्टडी नहीं होती। हम सब जानते हैं, आप भी स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट रहे हुए हैं, और स्टूडेंट के बीच में ही हम रहते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि इस माहौल में स्टडी हो पाना मुश्किल है। हो सकता है आप थोड़ी बहुत स्टडी कर भी ले तो आपको स्टडी कर लेनी चाहिए। हो सकता है ये केस आगे किस मोड पर जाए, ये कोई नहीं बता सकता इसको। तो ये जानकारी थी कट ऑफ के बारे में, काउंसलिंग के बारे में और रीनीट के बारे में। मिलेंगे नई अपडेट के साथ में, आपसे फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो में। इस प्रकार की ही जानकारी मैं फिर से लेकर के आऊंगा। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।